हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स का ब्रेन टीजर। इससे पहले के सारे चैप्टर्स और सारे वर्कशीट मैं करवा चुकी हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं। और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें एक क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच इज 40 मोर देन 12.25, यानी कि 40 जो है वो 12.425 से कितना ज़्यादा है। इसे हम क्या करेंगे, 40 को माइनस कर देंगे पहले हम, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो इससे हमारा आंसर आएगा कि ये कितना ज़्यादा है, 40 12.25 से कितना ज़्यादा है। यहाँ से कैरी लेते हुए आया, तो यहाँ 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ हमारा 9 है, 9 में से 2 गया तो 7 पॉइंट, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7, और फिर यहाँ हमारा 3 बचा था, 3 में से 1 माइनस किए तो हमारा आ गया 2, 27.75। तो ये हमारा आंसर कहाँ है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 27.75, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, द डिजिट इन द 100th प्लेस इन द सम ऑफ देश देश एंड देश देश, यानी कि जो तीन नंबर्स दिए हुए हैं 3.42, 6.2 और 2.473, इनमें जो 100th प्लेस है ना, उन डिजिट्स का सम क्या होगा। तो देखिए 100th प्लेस क्या है, ये है 10th और ये है 100th, यानी कि 2, फिर यहाँ पे तो 10th है, 100 है ही नहीं, फिर यहाँ पे देखिए 10th और 100th यानी कि 7, यानी 2 और 7 को प्लस करेंगे हम दोनों 100th के प्लेस को, तो 2 और 7 को प्लेस करने पे हमारा क्या आता है, 9 आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। नंबर सी 109.393 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा 349.109 आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 349.109 में से हम 109.93 को माइनस करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 4 में से 0 जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, फिर यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, फिर यहाँ हमारा 8 बचा तो 1 कैरी लिया तो 18 में से 9 जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, फिर यहाँ 3 बच गया हमारा तो यहाँ 3 हो गया, और 3 में से 1 गया तो 239.174। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 239.179 है। आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि ये जो सेट दिया हुआ है नंबर्स का, इनके बीच में जो ग्रेटेस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनके बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन यानी कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कैसे निकलता है माइनस करके। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। देखिए यहाँ पे होल नंबर 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 सब में 7 है। अब देखिए 10th के प्लेस पे कौन बड़ा है, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो ये बड़ा है, तो यानी कि ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ओके, अब स्मॉलेस्ट नंबर हमें ढूंढना है, तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, फिर 100th का प्लेस पे देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 8 है। ओके, तो ये हमारा छोटा हो जाएगा क्योंकि ये तो बड़ा है, यहाँ पे तो 1 आ जा रहा है, यहाँ पे 0 है 10th में और लेकिन इसमें 1 है, तो इसको तो हम हटा देंगे, इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर इसमें 1 है और इसमें 8 है, तो ये तो बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया, यानी कि ये वाला नंबर। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2, फिर यहाँ 0 रह गया, यहाँ से 1 बोरो लिया तो 10 में से 1 गया तो 9, फिर यहाँ 7 बच गया और इधर 7 में से 7 गया तो 0.792। ये कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर 2, 0.792। अब देखिए इसे हमें ऐड करना है 0.1, 0.001 और फिर माइनस करना हमें 0.01 से। ओके, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा हमारा आंसर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से कॉलम में मैंने इसे अरेंज करके लिख लिया है और इसे लाइक फ्रैक्शन में कर देते हैं इधर 0 लगा के। यहाँ पे हमारा 1 0, फिर 1.0, 0.101 आया। अब इसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ अच्छे से हम लिख लेते हैं पहले 0.101, सब्ट्रैक्ट क्या करना है 0.01 को। ओके, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, 1 में से 1, यहाँ से कैरी लिया,
टेन में से वन गया तो नाइन, फिर यहाँ ज़ीरो हो गया पॉइंट, यहाँ ज़ीरो, 0.091 कहाँ पे हमारा आंसर है, 0.091 ये रहा, 0.091 ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर। ओके अब हमारा है क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द सम और डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो जिसमें सम है उसका सम फाइंड करना है, जिसमें डिफरेंस है उसमें डिफरेंस फाइंड करना है। इसमें देखिए सम फाइंड करना है, तो चलिए इसको मैं आपको कॉपी में अरेंज करके सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए ए नंबर को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया है। ओके अगर आपको इस तरह से अरेंज करके करने में यहाँ पे इधर अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगी, तो आप सबसे पहले इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितने हैं, 1, 2, 3 है, इसको भी 3 बना दीजिए, इसको भी 0 लगा के 3 प्लेस बना दीजिए। अब ऐड कर लीजिए, आसानी से ऐड हो जाएगा और इसका आंसर हमारा आ गया 123.321। फिर दूसरा हमारा बी है, इसको इस तरह से अरेंज करिया हमने और ऐड करके हमारा आंसर ये आ गया। ओके सॉरी सब्ट्रैक्ट था, यानी कि दूसरा बी नंबर हमारा सब्ट्रैक्ट था और सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारा ये आंसर आया। ओके और फिर सी नंबर हमारा है, ये भी हमारा क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें भी, तो सब्ट्रैक्ट किया हमने। देखिए यहाँ सारे जीरो हैं तो यहाँ से कैरी होते होते आएगा, जब यहाँ पे 9 9 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, और तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर भी है, इसको हमने कॉलम में अरेंज कर लेना है इस तरह से, यहाँ पर आप ज़ीरो लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और इसे ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लिया हमने, तो ऐड करके हमारा 178.683 आंसर आ गया। ओके अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज़ 0.9। यानी कि दो डेसिमल नंबर हैं उनका, जैसे कि दो डेसिमल नंबर हैं, इन दोनों का सम हमारा कितना है, 0.9 है। ये जीरो नहीं है, ये नंबर है सब। ओके इसको जीरो नहीं समझिएगा, ये मैंने बस मान लिया है कि दो नंबर हैं, इन दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया, 0.9। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 0.675 फाइंड द अदर। अगर इनमें से एक जो है वो क्या है, 0.675 है, दूसरा क्या होगा, तो टोटल दोनों का जो ऐड है हमारा ये है और उनमें से एक ये है, तो इसमें हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके तो देखिए इसको इस तरह से लिख लेंगे सॉल्यूशन इसका, सम ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 0.9, वन ऑफ देम इज 0.675, फाइंड द अदर। तो अदर नंबर क्या होगा हमारा, 0.9 माइनस 0.675, तो सेपरेट कर लेंगे हम इसे इस तरह से कॉलम में अरेंज करके। हमारा आंसर क्या आ गया, ये देखिए 0.225, दूसरा नंबर हमारा क्या है, 0.225। ओके अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, एक टावर है इसे पेंट किया गया है रेड कलर, वाइट कलर और ब्लैक कलर से। अगर उसमें रेड कलर से इतने मीटर तक रेड कलर से पेंट किया गया, इतने मीटर हमारा ब्लैक कलर से पेंट किया गया और इतने मीटर वाइट कलर से पेंट किया गया, तो टावर की हाइट क्या है। तो देखिए पूरा टावर को पेंट कर दिया गया है, कुछ इतना रेड, इतना ब्लैक, इतना वाइट। ओके तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या है, टावर का हाइट आ जाएगा, क्योंकि सारा पेंट किया गया है। तो पेंट करके जब हम इसका लंबाई ऐड करेंगे तो वो टावर की तो लंबाई होगी ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर, देखिए इस तरह से लिखेंगे, टावर पेंटेड रेड तो इतना मीटर, टावर पेंटेड वाइट इतना मीटर, टावर पेंटेड ब्लैक इतना मीटर। अब तीनों को हम ऐड कर लेंगे, कॉलम में अरेंज करके ऐड करिएगा। ओके यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हाइट ऑफ टावर, इन तीनों को जो ऐड करेंगे वो हमारा देखिए इतना मीटर आ रहा ऐड करके। देखिए इस तरह से पहले यहाँ पे आप इसको देखिए इस तरह से ऐड करिएगा, कॉलम में अरेंज करके यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है और जो आंसर आया यहाँ पे हमने लिख दिया है। ओके अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ थ्री डेसिमल नंबर इज 95.3। यानी कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था इसमें कि दो, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में दो डेसिमल नंबर का सम दिया था, यहाँ पे तीन डेसिमल नंबर का सम इतना है। इफ़ टू डेसिमल नंबर्स आर 43.82 एंड 26.058, अगर दो डेसिमल नंबर का जो हमारे ये और ये हैं तो थर्ड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे और जो ये टोटल जो नंबर है इन तीनों का एडिशन उसमें से दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड का जो है वो वैल्यू आ जाएगा। देखिए इसको इस तरह से लिख लेना है, सम ऑफ थ्री डेसिमल नंबर्स इतना हो गया, फर्स्ट डेसिमल नंबर इज इतने, सेकंड डेसिमल नंबर इज इतने, थर्ड डेसिमल नंबर क्या होगा 95.3 जो है ये इसमें माइनस कर देंगे क्या, ये वाला प्लस ये वाला, हम दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे। ओके तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो पहले हम इन दोनों को प्लस करते हैं, देखिए इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया, 43.820 प्लस 26.058 को प्लस किया तो इतना आ गया। अब इसे 95.300 में से ये जो 69.878 आया है इसे माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर ये आ गया 25.422। ओके तो ये जो है हमारा थर्ड नंबर क्या है, ये है। ओके
क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर सो दैट द डेसिमल नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम ऐड अप टू 4.5। यानी जो मैजिक बॉक्स है इसे इस तरह से ऐड करना है कि हम इस तरह ऐड करें चाहे इस तरह ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आए ऐड करके 4.5। इधर से भी ऐड करें तो 4.5, इधर से भी ऐड करें तो 4.5। तो क्या करना हमें, इन दोनों को ऐड करेंगे और 4.5 में माइनस करेंगे तो जो आएगा वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, फिर ये हमारा निकल जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और 4.5 में माइनस करेंगे तो जो आएगा वो हमारा ये आंसर आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और 4.5 में माइनस करेंगे तो यहाँ का आंसर आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और 4.5 में माइनस करेंगे तो यहाँ का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो इन सब का वैल्यू क्या क्या होगा मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखा देती हूँ। देखिए इसका यहाँ पे हमारा 1.8 होगा, यहाँ 1.6, 1.9 और 1.2। अब आप इसको इधर से ऐड करिए चाहे इधर से ऐड करिए, ऐसे ऐड करिए, ऐसे ऐड करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, हर जगह से आपका आंसर क्या आएगा 4.5 आएगा। तो ये आपका यहाँ चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।